हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल पे का यूपीआई पिन भूल गए हैं तो उसको रीसेट कैसे करें। बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल पे समझा दूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम अपना फ़ोन पे या गूगल पे कोई भी ओपन कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ गूगल पे ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर इस आइकन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा यहाँ पे आपको आपका आ जाएगा। आपको जिस भी बैंक का यूपीआई पिन चेंज करना है आपको उस बैंक पे क्लिक कर देना। मुझे इसका करना है तो पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा सब कुछ नाम नंबर जो भी है सब कुछ आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉरगेट यूपीआई पिन यहाँ पे लिखा होगा, फॉरगेट यूपीआई पिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पे एक्सपायरी की डेट मांगी जा रही है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मैं फ़िलअप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है 6 डिजिट का अंक और एक्सपायरी डेट। फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर आप देख रहे होंगे री स्टार्टिंग यूपीआई पिन। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे लिख देना है। ओटीपी आ गया है। ओटीपी लिखने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन लिख देना है, जो भी आपको यूपीआई पिन न्यू यूपीआई पिन लगाना हो यहाँ पे लिख देना है। ये इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि गूगल पे की सिक्योरिटी रहती है, इसलिए आपको यूपीआई पिन लिख देना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंफर्म यूपीआई पिन करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रीस्टार्टिंग यूपीआई पिन हो रहा है, यहाँ पे यूपीआई पिन अपडेट। बस इतना सा सिंपल सा काम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैसेज भी आ गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।